यूट्यूबर आते हैं, बोलते हैं अरे भाई ये देखो फाड़ू वाले स्प्रे, ये देखो अरे भाई ये तो हिल ही नहीं रहा है, ऐसे दिखा जैसे ऐसे स्प्रे करते हैं ये देखो। अब बोलेगा कि देखो जीरो रिकॉयल भाई, इतना जीरो रिकॉयल कि आप कोई भी एनिमी को मार दोगे। भाई जीरो रिकॉयल भाई यहाँ पर ही मैं आया हूँ क्या देने के लिए तुमको, एक सेंसी। मेरे जो साथ बंदे खेलते ना उसने बोला है कि एक प्रॉपर सेंसी मुझे बताओ M4 का। तो देखो सेंसी मैन होते क्या है, पहले ना तुमको एक अपने गन, जब भी तुम M4 में कोई भी अटैचमेंट तुमको नहीं लेना है। देखो जैसे कि लाइक मेरे M4 में कोई भी अटैचमेंट नहीं है, अगर भाई तुम 6-6 के बिना तुम 150 मीटर 200 मीटर अगर मार सकते हो ना, तो फिर तो तुम्हारे गेम ना बूम सबर। पर ना मैं 6-6 यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रेड डॉट से ही मारता हूँ। तो देखो मेरा क्या सीन है, यहाँ पर देखो ये जो एरिया है ऊपर नीचे वाला जो तुम देख रहे हो, तो तुम अगर हेड पे एम रखोगे तो देखो ऊपर चले जाएंगे, ये देखो चौक करेंगे, देखो थोड़ा ऊपर जा रहे हैं ना मेरे, ये तुम देखो। ये मैं जब फायरिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिकॉयल कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, रिकॉयल कंट्रोल कर रहा हूँ, देखो ऊपर जा रहे। तो उस हिसाब से तुमको क्या करना है, ये जो ये हेड है, ये जो हेड देख रहे हो हेड है, यही हेड से नीचे पेट के पास रखना, देखना तब हेड हेड कैसे कर, ये देखो दिखा क्या होते जब तुम पेट पे रखोगे तो लाइक देखो पहले मार्क कर लो कितना है, मार्क द लोकेशन 80 मीटर है, तो 80 मीटर में मेरे को कितना दूरी पे रखना है ये तुमको समझना ज़रूरी है। जैसे 80 मीटर है तो मेरे को यहाँ रखना है एम, तो ऑटोमेटिक हेड लगेगा, ये देखो। ये मैं तुमको ऐसा सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ ना, तुमको कोई भी यूट्यूबर ये चीज़ नहीं बताएगा। एकदम यूट्यूबर आते हैं बोलते हैं अरे भाई ये देखो फाड़ू वाले स्प्रे, ये देखो अरे भाई ये तो हिल ही नहीं रहा है, ऐसे दिखाते जैसे ऐसे स्प्रे करते हैं, ये देखो। अब बोलेगा कि देखो जीरो रिकॉयल भाई, इतना जीरो रिकॉयल कि आप कोई भी एनिमी को मार दोगे। भाई जीरो रिकॉयल मैटर नहीं करता, मैटर तुम्हारे को क्या करते मालूम है, मैटर करते कि तुम्हारा एम कैसा है, तुम एम पे फोकस दो, जीरो रिकॉयल पे नहीं। तुमको हजारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो जीरो रिकॉयल पे बने हुए, मतलब जीरो रिकॉयल पे आपको फोकस नहीं करना। यहाँ देखो जब भी मैं आता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में तो मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ 100 मीटर मारने के लिए, तो ये देखो यहाँ मैं रखता हूँ, यहाँ जब मैं रखता हूँ ना तो मेरे कनेक्ट ज़्यादा होते हैं। हाँ एक बात बताना भूल गया कि जी तुम्हारे जैसे कि तुम यहाँ एम रखते हो तो हो सकता है तुम्हारा ऐसे राइट सो के लेफ्ट पे जाए, राइट सो के लेफ्ट पे जाए, तो वो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा किस साइड जा रहा है। अगर लेफ्ट पे जा रहा है तो अगर देखो यहाँ से अगर फायरिंग करते हो लेफ्ट पे ऐसे होते हुए जा रहे हैं, तो तुमको क्या करना है यहाँ रखना है एम, जब तुम्हारे लेफ्ट पे जाएंगे तो हेड आ जाएंगे ऑटोमेटिक, देखो यहाँ से ऐसे हेड आएंगे। अगर किसी किसी का क्या होता है राइट से ऐसे लेफ्ट पे राइट लेफ्ट से राइट पे भागते हैं, लेफ्ट से राइट पे भागते हैं, तो तुमको यहाँ रखना। किसी किसी के सीधे जाते हैं जैसे मेरे सीधे जाते हैं तो मैं नीचे रखता हूँ, तो ये चीज़ भी देखना है। अब देखो बात रही अब सेंसी की, तो सेंसी देखो चेक करो मेरी, मैं देखो कस्टमाइज खेलता हूँ और जब भी अगर ट्रेनिंग ग्राउंड में किसी चीज़ में भी आता हूँ तो मैं एम असिस्ट ऑफ करके ही रखता हूँ। अभी तो ऑन होंगे बिकॉज मैं मैच खेला था, तो ऑफ़ कर लेना ठीक है, ये पहला पॉइंट है तुम ऑफ़ कर लेना। अब देखो तुम सेंसी में चलो, जब सेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जैरो की सेंसी होती है, तो ये जो सेंसी है मेरे लेंस है, लेंस मतलब फिंगर। तो फिंगर में क्या है कि देखो फिंगर में मेरे सब 0-0 है, देखो रेड डॉट 3x 6x सब 0 है, तुमको 0 मिलेंगे ठीक है। सिर्फ मेरे लेंस में नो स्कोप है ताकि मैं रिफ्लेक्स दे सकूँ, उसमें मैं बढ़ा के रखा हूँ ठीक है। अब तुम जैरो में आओगे तो जैरो ये सेंसी देखो, अगर तुम कोई भी अगर तुमको बताता है अगर कोई एडवांस सेटिंग से सेंसी सेट करके रखा है तो एडवांस ही सेंसी दिखाना चाहिए। देखो यहाँ पर ही तुमको कुछ देखने के लिए खास नहीं मिलेंगे, ये कोई काम का नहीं। अब देखो एडवांस में जाता हूँ, जब मैं M4 पे जाता हूँ मैं तुमको रिवील कर रहा हूँ, जितने भी मतलब यू स्पोर्ट के प्लेयर हैं ना वो लोग कभी सेंसी अपना रिवील नहीं करते दोस्त, वो लोग अलग एक सेंसी रखते हैं वो अपने यूट्यूब वीडियो पर रिवील करते हैं। तो यहाँ क्या है देखो मेरे रेड डॉट नो स्कोप 136 है ठीक है। अब यहाँ देखो रेड डॉट एम एस सब 0-0 है 0-0 है 0-0 है 0-0, अब ये देखो 0.5-0 है। अब यहाँ जब तुम मेरे आओगे जैरो में
तो जेड में मैं 300 ये रखा हूँ ताकि मैं रिफ्लेक्स दे सकूँ, ऐसे ऐसे जब आप लेफ्ट से एम करते हो राइट से एम करते हो तो वो काम में आते हैं, तो इसलिए मैं 330 करके रखा हूँ। जब तुम्हारा मेन जो सेंसी होता है स्प्रे के लिए वो होता है एडीएस, एडीएस जेड जो लिखे हुए, अभी तुम एडीएस है जेड देखना, एडीएस जेड मेरे लो सेंसी है। कोई बोलता हाई सेंसी कर लो, 400 कर लो, 400 में बंदों को फाड़ दोगे, इतना भयंकर मूवमेंट हो जाता है। तो भाई तुमको ना बुलेट स्टेबल चाहिए ताकि तुम मार सको, बंदे को दूर से भी मार सकते हो, क्लोज में भी मार सकते हो, तो इसीलिए सेंसी थोड़ा कम ही रखो। जब तुम कम रखोगे ना तो बुलेट स्प्रेड तुम्हारे कम होंगे। देखो यहाँ मेरे कम है, अभी तुम देखोगे नो स्कोप 290, रेड डॉट देखो 280 से 87 हो गए, ठीक है, फिर सब देखोगे सभी कम है। तो ये है एडवांस सेटिंग, अगर यूज करोगे अगर तुम अपना सेंसी सही करने के लिए तो एडवांस सेटिंग ज़्यादा यूज करना, क्योंकि एडवांस सेटिंग में क्या होता है हर गन का अलग अलग सेंसी हो जाता है। तुम एक एम का देखो तो तुमको डिफरेंट मिलेगा, ये क्या बोलते हैं एम फोर से, देखो यहाँ भी सब चीज़ ऑफ है। अब तुम देखो ए डी एस में जाओगे तो सब डिफरेंट है ना, देखो अब तुम ए डी एस जेड में जाओगे, इसमें 70 में करके रखा हूँ एक एम में, तो उसमें कुछ हल्का ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तुम सेटिंग कर सकते हो। तो जेडो का मतलब सेंसी का ये, जब भी अगर सेंसी सेट करो तो भाई लो सेंसी अगर खेलोगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लो सेंसी जब खेल लोगे ना तो भाई तुम आग हो जाओगे, क्लोज रेंज में मिड रेंज में सब में तुम आग हो जाओगे। जो और स्कोप एक ओपन करने का कहाँ रखना है, जैसे मैं यहाँ अंदाज़ा लगाया हूँ, मेरे को यहाँ रखूँगा तो मेरे हेड तो ये चीज़ है। अब देखो ड्रिल में तुम यहाँ आके ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रेड के लिए समझे, तो इसमें क्या होगा दो तीन बंदा सामने रहे हो तुम इजीली नॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो तुमको ना थम यूज़ नहीं करना है इस पर, ठीक है ना, पूरा जैरो की मदद से। और हेड टू हेड मारना है, ठीक है ना, हेड टू हेड मारना है। ये सभी बताते हैं ऐसे, मगर तुमको तीन तीन के एम रखना है, एक हुआ दो हुआ तीन हुआ, इससे तुमको क्या इम्प्रूव होंगे, ब्रश फायर तुम्हारे इम्प्रूव हो जाएंगे।